हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आप सभी के लिए बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी मेथी की पूरी की रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम कच्ची मेथी ली है, जिसे मैंने 4 से 5 बार पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है। उन सभी मेथी के मैंने डंठल निकाल दिए हैं। अब हम थोड़ी थोड़ी मेथी लेंगे और इस तरह से इसे एकदम बारीक कट कर लेंगे। दोस्तों, हरी सब्जियां हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, इसे हमें रोज़ खाना चाहिए। और ये हरी मेथी जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो आप इसे इस तरह से ज़रूर बनाकर खा सकते हैं। जब भी बच्चे आपकी हरी सब्जियां खाना ना पसंद करें तो आप इसे इस तरह से बना करके खिला सकते हैं अपने बच्चों को। सभी मेथी को हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेंगे और इस तरह से एकदम बारीक कट कर लेंगे। ये देखिए, मेथी को हमने एकदम बारीक कट कर लिया है। यहाँ मैंने खलबत्ता लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे 10 से 15 लहसुन की कलियाँ और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को हम कट करके डाल देंगे और 1 चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे। अब हम इसको इस तरह से कूट लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे सिलबट्टे या फिर मिक्सर में भी पीस सकते हैं। ये देखिए, हमने लहसुन, जीरा और हरी मिर्च को इस तरह से कूट लिया है। अब हम एक बर्तन में आटा लेंगे। मैं यहाँ 3 कप आटा ले रही हूँ। क्वांटिटी को आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ग्राम में है 300 ग्राम। मैंने यहाँ पर गेहूँ का आटा लिया है। साथ ही हम इसमें 1 कप बेसन डाल देंगे और जिस मेथी को हमने एकदम बारीक चॉप किया हुआ था वो सारी मेथी भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे जो पेस्ट हमने मसालों का तैयार किया था, जिसमें हमने लहसुन, हरी मिर्च और जीरा डाला था। आप इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। मेरे बच्चे अदरक नहीं खाते हैं इसलिए मैंने इसमें नहीं डाली है, अदरवाइज़ अदरक का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा इसमें। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आप लाल मिर्च ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच किचन किंग मसाला। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह गरम मसाला भी डाल सकते हैं। किचन किंग मसाला आप किसी भी सब्जी में भी डाल सकते हैं, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच सफ़ेद तिल, जिसका बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया यूनिक फ्लेवर आएगा। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हम इस तरह से हथेली में क्रश करके डालेंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। दोस्तों, अब हम सभी चीज़ों को आटे में एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, जो ये पूड़ियाँ बनती है ना, वो टेस्ट के साथ साथ हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही बढ़िया होती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मोइन के लिए 2 चम्मच तेल। मैं यहाँ तेल डाल रही हूँ, रिफाइंड तेल। अगर आप इसकी जगह घी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। इसे भी हम आटे में एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका आटा गूंथ लेंगे। ध्यान रहे, हमें इसका सॉफ्ट आटा नहीं गूंदना है, हल्का टाइट आटा गूंदना है, सख्त आटा गूंदना है, जिससे जो पूड़ियाँ बनेंगी वो बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी पूड़ियाँ बनेंगी। ये देखिए, हमने आटा लगा करके तैयार कर लिया है। अब हम इस पर थोड़ा सा ऊपर से और ऑयल लगा करके इसे ढक करके छोड़ देंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस आटे को हमने बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं लगाया है, थोड़ा टाइट आटा लगाया है। इस तरह का हमें आटा लगाना है। अब हम इसे ढक देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए साइड में छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट तक छोड़ लेने के बाद इस लेड को हम हटा लेंगे और इस आटे को हम एक बार और अच्छे से मथ लेंगे। ये देखिए, आटे को हमने एकदम अच्छे से मथ लिया है। अब हम इसकी लोइयां बना लेंगे। जिस साइज़ की आपको पूरी बनानी है उस साइज़ की आपको लोई तोड़ लेनी है। आप चाहें तो इसे चाकू से भी कट कर सकते हैं। लोई को तोड़ लेने के बाद इसे हम इस तरह से हाथों में गोल गोल घुमाते हुए इसकी लोई बना लेंगे। प्लेटफॉर्म को साफ़ कर लेने के बाद पूड़ी को हम इस तरह से बेल लेंगे। बेल लेने के बाद इस पर हम चाकू की मदद से इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, जिससे पूड़ी फूलेगी नहीं और बहुत ही क्रिस्पी पूड़ी बनकर तैयार होगी। सभी पूड़ियां हम इसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। बाकी की पूड़ियां भी हम इसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये पूड़ी बनकर तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं, मैंने इसे ज़्यादा पतला नहीं किया है और ना ही ज़्यादा मोटी पूड़ी बनाई है।
फ्रेंड्स मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ ये पूड़िया बनाने का। हमें बड़ी लोई लेनी है, उसे हमें इस तरह से बेलन की सहायता से बेल लेना है। ये देखिए इस पूरी लोई को हमने एकदम अच्छे से बेल करके तैयार कर लिया है। अब हम इस पे चाकू की सहायता से कट लगा देंगे। एक साथ ही हम इस पूरी पूड़ी पर कट लगा देंगे इस तरह से। अच्छे से कट लगा लेने के बाद हमें एक कटोरी या फिर ग्लास कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक कटोरी ली है, आप इसकी जगह कटर, कटोरी, गिलास कुछ भी ले सकते हैं और इस तरह से कट कर लेना है। ये बहुत ही आसान तरीका है पूरी बनाने का, आप इस तरह से बना सकते हैं। एक ही साथ में आप देख सकते हैं 6 पूरियाँ बनकर तैयार हो गई है। अब हम इन पूरी को निकाल लेंगे। ये देखिए सभी पूरियाँ हमने निकाल ली है और इसके बचे हुए आटे को हम फिर से लोई बना के इसके पूरी बना लेंगे। कढ़ाई में मैंने तेल लिया है, मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल लिया है। इसमें हम छोटी सी लोई डाल करके देख लेते हैं कि तेल एकदम अच्छे से गर्म हो गया है या नहीं। ये देखिए लोई एकदम ऊपर की तरफ आ रही है, तेल एकदम अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके पूड़ियाँ डाल लेंगे। एक साथ में मैं यहाँ पर 5 से 6 पूड़ियाँ डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम को हमें लो मीडियम रखना है, एकदम फुल नहीं करना है। तेल एकदम अच्छे से गर्म हो जाने के बाद गैस की फ्लेम को हमें लो कर देना है। एक साइड से जब पूरी एकदम अच्छे से फ्राई हो जाए तब हम इन सभी पूड़ियों को एक एक करके पलट देंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमें पूरियों को लो फ्लेम पर पकाना है वरना फुल फ्लेम पर ये पूड़ियाँ जल जाएंगी और अंदर से एकदम अच्छे से नहीं पकेगी। ये देखिए ये जो पूरियाँ हैं वो एकदम अच्छे से फ्राई हो गई हैं, आप इनका कलर भी देख सकते हैं, हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इन पूरियों को निकाल लेंगे। इस तरह से झटका के निकालना है जिससे इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। प्लेट पर मैंने टिश्यू पेपर लगा लिया है, इसमें हम सभी पूरियों को निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें बाकी सभी पूरियाँ भी बना करके तैयार कर लेनी है। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितने आसानी से और कितने कम समय में ये पूरियाँ बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ही बढ़िया बनती है। दोस्तों आप इन पूरियों को 1 से 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही बढ़िया होती है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये क्रिस्पी चटपटी मसालेदार पूरियाँ? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों आप इस मसालेदार क्रिस्पी पूड़ियों का मज़ा लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।